अरे भाई, आज किस बेवकूफ के मुंह देख कर आया हूँ। आज भी जो काम करना था वो सब कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये नालायक जो है ये मेरा काम करके रखा ही नहीं। इसको तो मैं आज बहुत अच्छी तरह से देखना होगा। ये भोंडू हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है, और जो काम देते हैं उसको ठीक से नहीं करते। रुको, इसको आने दे। आज तो मैं इसका अटेंडेंस कटवा दूंगा। हाँ, ये क्या सोचा है? रोज रोज नाटक चलेगा इसका? ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, रोज रोज नाटक। हाँ, ये कोई घर का आंगनवाड़ी नहीं है कि वैसे ही एंजॉय करता रहे बिना ऑफिस आए। हाँ, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ, सब कुछ बदल दूंगा मैं, रुको आने दे। पता नहीं सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, आने से पता चलेगा। आज तो इनकम में अटेंडेंस दूंगा ही नहीं, आने के बावजूद भी मैं इसे पैक आउट करूंगा। पता नहीं है मैं कितना काम करता हूँ। 50 साल का एक्सपीरियंस में मैं ऐसे लड़का पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसे मैंने कभी नहीं देखा किसी को भी। इस बार तो मैं ऐसे, रुको, ए भोलू, भोलू, ए भोलू, ये भोंडू आया कि नहीं आज? भोंडू, जी सर, मैं यहाँ हूँ। जी सर, भोलू, भोंडू, भोंडू तो आया है सर जी। उनका केबिन में होगा सर जी, उनका केबिन में होगा भोंडू। अच्छा, मेरे पास आने के लिए बोलो तो। कल उसको मैंने काम दिया था, वो किया कि नहीं? मेरे सामने में आने के लिए बोलो, 1 सेकंड में आने के लिए बोलो उसको, नहीं तो सभी गेट खुला है, बिंदास वो बाहर निकल के जा सकता है। 1 सेकंड के अंदर में आने के लिए बोलो उसको, सुनाने के लिए बोलो। ये भोंडू को 1 सेकंड में आने के लिए बोलो उसको। हाँ सर जी, मैं आया अभी, मैं उनको बता के आता हूँ अभी सर जी। भोंडू सर, ओ भोंडू सर, भोंडू सर, भोंडू सर, आपको सर ने बुला रहा है, क्या आपने सुना नहीं? आपको कल काम दिया बोला कोई, तो आप किया कि नहीं? ये बुढ़ा रोज रोज कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं, इसलिए कि मैं अपना लाइफ को एंजॉय बिना किए ही उनका ही काम करता रहूंगा क्या दिन भर? भाई बॉस हुआ तो क्या हुआ, मेरा पक्का हुआ तो क्या हुआ? इतना भी मतलब वो नहीं होता है, इतना भी मतलब नौटंकी नहीं करना चाहिए। जो काम दिया तुमने करेंगे ना, इतना भी नौटंकी करने का क्या जरूरत है? अरे भाई, रोज का नाटक हो गया ये तो आजकल, आजकल तो ज्यादा ही हो गया है कि नहीं? बोलो सर, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो मालूम नहीं है इतना कुछ मालूम नहीं है मुझे, अभी को मालूम होगा जो भी है। पर सर आपको बुलाया है, अभी 1 सेकंड में बुलाया है, ठीक है, 1 सेकंड में जाने के लिए बोला है। ये क्या बात है भाई, 1 सेकंड में कोई जा सकता है क्या? मेरे उठने से ही तो 1 सेकंड हो जाएगा। क्या बकवास करता है ये बुढ़ा हुई, रुको मैं आ रहा हूँ, मैं मिल के आता हूँ, रुक। इनसे ज्यादा ही नौटंकी करता है आजकल। सर जी आपने मुझे बुलाया, लो मैं 1 सेकंड में आ गया। 1 सेकंड में आ गया मैं सर जी।
आप जैसे बोलते हो ना सर जी, एक सेकंड में कोई आ सकता है भला? आप कैसे बोल लेते हो ये सब? एक सेकंड में कोई आ सकता है क्या भला? ऐसा होता है? ये कोई फिल्म है? क्या बात करते हो सर जी, हमेशा लॉजिक का बात किया कीजिए ना आप। मुझे क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, गेट दिखा देंगे? यही ना हाँ, तुम्हारा आजकल मन नहीं लग रहा है ना काम में? गेट खुला है भाई, तुमको जाना है तो चले जाओ आराम से, आगे भी है पीछे भी है, गेट खुला है तुम्हारे लिए, गेट खुला रखा है मैंने, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बिंदास आराम से एंजॉय करके चले जाना, गेट खुला है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं चलेगा भाई, तुम रोज का नाटक हो गया तुम्हारा, मैं कुछ काम देता हूँ तो तुम आधा अधूरा करके छोटे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। गेट खुला है, तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो, या तो चाहिए तो मैं और आदमी भेज देता हूँ तुम्हारा गेट खोल के देने के लिए बढ़िया से, या और इंतजाम करूँ बढ़िया से। हाँ नहीं 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 सर जी, इतना भी क्या जरूरत है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। आपका साथ काम करके मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। आप बॉस गिरे दिखाते हो लेकिन काम तो कुछ ठीक से नहीं करते हो। जो भी है सब काम आपको ही चाहिए होता है। आप एक काम कीजिए ना, हमें भी आधा आधा काम दीजिए ताकि आपका भी टेंशन हल्का हो। आप तो ऐसा नहीं करते हो, सब काम आप अपने सर पे लेके बैठे रहते हो और मुझे या भोलू को डांटते रहते हो। ऐसा तो नहीं चलता है ना सर जी। क्या क्या तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? कल का लौंडा आके मुझसे जबान लड़ा रहा है? क्या बात करते हो तुम? मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? तुम मालूम नहीं है तुम किससे बात कर रही हो? 50 साल का एक्सपीरियंस में मैं तुम्ही को एक मिला हूँ आज, कि तुम मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए गेट खुला है, तुम कभी भी जा सकते हो, ठीक है? तुम्हें मैं कल बॉस को रिपोर्ट करूंगा। तुम मेरे साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो आज, इतना बड़ा हो गया तुम कल का लौंडा? हाँ, ऐसा क्यों? सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका ड्यूटी बढ़ जाएगा। आप घर भी नहीं पहुंच पाओगे, फिर आपका ऑफिस छुट्टी हो जाएगा 2-3 दिन के लिए। बेकार में आप परेशान करते हो सर जी, अपने आप को परेशान मत कीजिए। चलिए चलिए बैठिए, मैं मिठाई भिजवाता हूँ आपको, अब आराम से मिठाई खाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शीला? तुम कल जो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था वो कर लिया? हाँ?